यूं कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो पुट द हेडिंग अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट। और इसमें फर्स्ट हेडिंग रहेगी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो पुट द हेडिंग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और इससे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम। ठीक है, हमने इससे पहली क्लास में बताया था अबाउट मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन के बारे में, और आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, और पढ़ा है सब तो बहुत अच्छा है राजा बेटा। ये ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल नॉर्थ। और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके वर्टिकल, अब यहां पर दो चीजें इस टाइप से हैं, ठीक है ना। सपोज दैट हमारे पास डायरी है, तो ये इस टाइप का जो ओपन पेज सिस्टम है, ये हो गया हमारा, ये जो प्लेन होगा वो हमारा जियोग्राफिकल नॉर्थ मेरिडियन होगी, और ये जो प्लेन होगा वो क्या होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन होगी। तो हम प्लेन्स की बात करेंगे, तो इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बीच गैप है। ठीक है, क्या है गैप, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बीच जो एंगल हमने बताया था, एक एक्यूट एंगल बनेगा, नाम दे देते हैं इसको अल्फा, और यही होगा हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, अगर हम यहां पर क्या रखें, एक मैग्नेटिक निडल रखें, तो कुछ इस तरीके से, क्योंकि दो, कुछ इस तरीके से क्या होगा, मैग्नेटिक निडल कंसाइड करेगी, लाइक रहेगी, और इससे जो एंगल बनेगा वो ये हॉरिजॉन्टल होगा बी एच, और इसे हम बोलेंगे वर्टिकल प्लेन, क्या हो जाएगा हमारा बी बी वर्टिकल है और ये बी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये एंगल बनाएगा क्या, थीटा। क्लियर, तो हम बात करेंगे पहले किसकी, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन की। तो
सिंपली एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी इन दोनों के बीच जो एक्यूट एंगल फॉर्म होगा कैसा होगा, एक्यूट एंगल ही फॉर्म होगा, ऑब्ट्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन एट एनी प्लेस एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन। क्लियर है? तो यही जो एंगल फॉर्म हुआ है वही क्या है, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन अल्फा, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है आपको कि जो एंगल फॉर्म होगा है एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन होगा वो कैसा होगा, एक्यूट होगा। फिर हम बात करेंगे एंगल ऑफ डिप की या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की। तो पुट द सेकंड हेडिंग एंगल ऑफ डिप, और ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन। अब क्या है इसमें, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये तुम्हारा जो होगा वो हमारी रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म होगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो मैग्नेटिक नेट है, ठीक है, इससे अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस, द एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस is the angle between the direction of Earth's magnetic field and horizontal component of earth, यानी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट से। और फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो ये
दो टॉपिक और इसके अलावा जो नेक्स्ट करवाने जा रहा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम बेसिस पर। थर्ड एलिमेंट होगा हमारा अर्थ इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा वो थीटा एंगल पर होगा। यहां पर दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? बी एच और बी बी। तो सिंपली ऑन रिजॉल्विंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस, तो ये बी एच इज इक्वल टू क्या होगा, बीई कॉस थीटा के, बीई कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट बीबी इज इक्वल टू हो जाएगा बीई साइन थीटा। इन दोनों को क्या करें, स्क्वायर करके ऐड करें, तो बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से बी ई स्क्वायर हो गया बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, यहां से अर्थ आ जाएगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर के। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रिजल्टेंट अर्थ मैग्नेटिज्म। यानी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है और वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो हम क्या अर्थ मैग्नेटिज्म की रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके एंगल की तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इस सिचुएशन में दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बीई साइन थीटा अपॉन बीई कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बीबी अपॉन बी एच, यानी बी हॉरिजॉन्टल और बी वर्टिकल। यहां से बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू बीबी बाई बी एच, और यहां से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स बी बी बाई
अर्थ मैग्नेटिज्म एंड एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. नोट डाउन इट फर्स्ट. और इसके आगे जो पोर्शन है मैग्नेटिक सब्सटेंस के वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. आप इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिएगा. हमें न्यूमेरिकल्स करवाने भी हैं गैल्वेनोमीटर से और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आप इसको अच्छे से रीड करिए. जो तीन टॉपिक लिखवाए एंगल ऑफ डिप एंड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम बेसिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड. तो ये आप लोग अच्छे से रीड करिएगा स्टडी करिएगा. तब तक के लिए थैंक यू.